नमस्कार मजेदार चीज की अनबॉक्सिंग करेंगे एक्चुअली मैंने आपसे पहले ही अनबॉक्स कर लिया था और उसका एक्सटेंसिव टेस्टिंग भी कर लिया था तो उसके बारे में बात ईवो का जो वोकल बंडल है। तो आपने क्वेश्चन मार्क भी देख लिया होगा कि दिस द बेस्ट समथिंग तो किसके लिए बेस्ट है क्या है सारी चीज़ें हर चीज़ और ऑल्टरनेटिव तो जैसे कि फोकस राइट का भी एक बंडल आता है जिसमें माइक ऑडियो इंटरफेस और आपका हेडफोन आता है प्रटी मच सिमिलर बट इसके कुछ यूनिक फीचर्स है जो दूसरे ब्रांड्स आपको अवेलेबल नहीं कराते हैं तो अंदर सामान क्या क्या है उसको एक बार दोबारा से खोल के देख लेते हैं और फिर ये कुछ 20 पच्चीस एक हज़ार रुपये का होगा ओके okay, सो so जब आप डब्बे को खोलते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि आपको मिलता है ऑब्वियसली ये माइक्रोफोन या yeah, इसका हमने काफ़ी सारा टेस्टिंग भी किया है मतलब तभी ये डब्बा हमने ऑलरेडी खोल लिया था और ऑलमोस्ट फिफ्टीन डेज से मैंने इसका एक्सटेंटि extensive, एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है इसका ये शॉक माउंट भी आ जाता है माइक्रोफोन इसमें लग जाएगा आपका समथिंग लाइक दिस और इसको घुमा के आप इसको लॉक कर देंगे इसमें एंड ऑबियसली फिर आप इसको अपने स्टैंड में लगा देंगे अगला जो इम्पोर्टेंट ऑबियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ये ईवो ऑडियो इंटरफेस Evo 4 और ये ऑटोमेटिकली गेन वगैरह भी सेट कर सकता है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि वट इट इज़ केपेबल ऑफ एंड वट नॉट पर आपको मिल जाता है दो लेफ़्ट एंड राइट का जो स्पीकर के लिए डेडिकेटेड आउटपुट ये जो यू एस बी केबल है जो कि साथ में ही आता है डब्बे में आप वो यहाँ पे लग जाएगा और उसका दूसरा जो सिरा है वो आपके कंप्यूटर में लग जाएगा ये रहा आपका दो डेडिकेटेड माइक प्री जिसमें ऑब्वियसली आप माइक्रोफोन लगा सकते हो कोई भी लाइन इंस्ट्रूमेंट लाइक कीबोर्ड, ऑक्टापेड, गिटार विटार कुछ भी लगाना हो आपको आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो ये एक डायल है आ, मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि इसे इस्तेमाल करना वाकई में मतलब वर्क्स लाइक अ चार्म लाइक अ ब्रीज और फंटास्टिक ईजी गोइंग एक्सपीरियंस होगा बट इट रियली इज मतलब आप चाहे तो जैसे आपको अगर ये बटन आप प्रेस करते हो तो यू you नो know, आपका माइक्रोफोन इनपुट्स और टॉ से जो आवाज़ आ रही है वो उसके बीच में आप इसी को घुमा करके बैलेंस कर सकते हो ये लाइट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिट होते हैं आप अगर यहाँ आते हो तो आप स्पीकर का या हेडफोन का गेन को ऐसा करके एडजस्ट कर सकते हो आप अगर इस बटन को प्रेस करके रखते हो तो ये ऑटो मोड में चला जाता है तो अपना जो भी प्री एम्प है उसको ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है या आप ऑब्वियसली सिंपली प्री एम्प पर आके उसको क्लिक करके आप यहाँ से भी उसका गेन को प्रॉपरली अपने हिसाब से स्वाद अनुसार

एफ एल स्टूडियो वाला ट्यूटोरियल देखा होगा पिछला एक दो जो हमने डाले हैं एंड like लाइक है, उसमें जो भी है उसमें जो भी उतना मीठा होगा वो अलग बात है और इसका एक सॉफ्टवेयर वाला इंटरफेस भी आता है जो आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर पे चाहे आप मैक पे हो या विंडोज पे हो जिससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज मिलेगा और अपने कंप्यूटर से भी आप सारी चीज़ों के बड़े आसानी से ट्वीक आउट कर सकते हो और लूप बैक वाले फीचर्स कौन सा चीज़ कहाँ राउट होगा वो सारी चीज़ें भी आप डिफाइन कर सकते हो एंड ऑब्वियसली पूरा का पूरा डेस्कटॉप पे आपको सारा सब कुछ उसमें मिल जाता है एंड दैट इज़ आल्सो रियली रियली हेल्पफुल अब एक ये हेडफोन आ जाता है इसके साथ में ऑब्वियसली काफ़ी लंबे केबल के साथ में आता है ये हेडफोन दिस एक्चुअली सरप्राइजिंगली साउंड रियली नाइस आप मैं ये नहीं कहूँगा कि दीज आर द मोस्ट एक्ूरेट काइंड ऑफ हेडफोन्स बट अगर आप आपका पर्पस है कि आप वोकल्स वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो और इस टाइप की चीज़ें वैसे कामों के लिए दिस इज लाइक फैटास्टिक वर्कस रियली नाइस आपको एक ये केबल मिल जाता है ये मेल टू फीमेल और एक आपके ऑडियो इंटरफेस में लग जाएगा एक आपके माइक में लग जाएगा तो आपको बाहर से जाकर के बेसिकली कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है तो बेसिकली इस पैकेजिंग में जो भी सामान आता है हमारा वो काफी स्टर्डी लगता है देखने में लाइक ऐसा नहीं कि फ़िलिमजी और हल्का सा है माइक्रोफोन uh, की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है अगर आप वॉइस ओवर्स कर रहे हो अगर आप गाने वाने गा रहे हो इस टाइप की चीज़ों के लिए दिस इज़ रियली नाइस या ओब्वियसली इस माइक्रोफोन के साथ में आप एक पॉप फिल्टर अटैच कर सकते हो अगर आप सिंगिंग विंग कर रहे हो तो आपका जो प्लासिप्स वगैरह है वो और बेहतर कंट्रोल हो जाएगा पर मोस्टली आजकल इस टाइप के जो माइक्रोफोन्स है उसके उसके अंदर थोड़ी सी यू नो फोमिंग ऐसी करके आती है कि मैक्सिमम चीज़ें वो रिजेक्ट कर देता है और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर गए गाना गाएं मतलब जहाँ पे भाप और पप वाली आवाज़ करनी हो तो थोड़ा सा ऐसा मुंह खिसका लें तो इट वर्क्स रियली नाइस फॉर यू और जहाँ तक इस हेडफोन की बात है इसमें म्यूजिक सुनना या कुछ भी ऐसा करना इज़ रियली नाइस विच एक्चुअली कम्स विद अ कैवियट बिकॉज दिस साउंड रियली नाइस आप अगर म्यूजिक बना रहे हो अगर खाली खाली आप इस पर म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको लगे हेडफोन्स में कि वाओ दिस साउंड्स रियली फैंटास्टिक और जब आप एक्चुअली में एक्सपोर्ट करो तो आपको लगे अरे यार ये केक तो मिस हो गया बट दिस इज़ नॉट जस्ट विथ दिस हेडफोन्स दिस इज मोस्टली विथ मैक्सिमम जितने भी बजट हेडफोन्स है उसके साथ में होता है इवन मतलब बहुत सारे बजट स्पीकर्स के साथ में भी ऐसा होता है एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल और आप कितना कंफर्टेबल हो ऑन मिक्सिंग विथ हेडफोन्स या जो भी सेट ऑफ स्पीकर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर बट दिस रियली साउंड गुड ऐसा नहीं है तो ये जो सेट ऑफ इक्विपमेंट है आप अगर पूछोगे कि किसके लिए है मान लो कि आप एक सिंगर सॉन्ग राइटर हो एंड आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है तो दिस इज़ द परफेक्ट मैच आपको गिटार रिकॉर्ड करना है अपना आप प्लग इन करो या इस माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड करो अपना वोकल्स रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करो मे बी आप uh, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो या आप यूट्यूब चैनल रन करना चाहते हो ऐसा जिसमें आप यू विल बी डूइंग लाइक सब कांस्टेंट वॉइस ओवर एंड स्टाफ ऐसे चीज़ों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक है बिकॉज uh, अगर आप अलग अलग ख़रीदने जाओगे एक ऑडियो इंटरफेस uh, एक माइक्रोफोन एक हेडफोन और ये फिर एक्स्ट्रा ये जो वायरिंग है और ये जो सारी चीज़ें हैं तो इट विल कॉस्ट यू क्वाइट मोर या yeah, अगर लगभग इस क्वालिटी का भी सामान अगर आप खरीदने जाओगे तो और इस टाइप की चीजें ऑब्वियसली उन लोगों के लिए भी कारगर है जो लोग अपना वोकल्स वगैरह रिकॉर्ड करके दूसरों के साथ में कोलेबोरेट करना चाहते हैं या आपके पास में ऑलरेडी कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है आप उसको ये सारे जो भी फाइल्स है आपको भेजना है वोकल्स वगैरह अपना रिकॉर्ड करके तो आपको मिक्स विक्स करने का टेंशन नहीं है आपको बाकी से यू जस्ट नीड टू कैप्चर द एंटायर वाइब विथ ईज एंड ऑब्वियसली ऑन अ बजट बिग फैन ऑफ द आई डी सीरीज बिकॉज वो एक्चुअली में बहुत ही फैंटास्टिक साउंड करते हैं फैंटास्टिक बोले तो दे साउंड लाइक द हाई एंड ऑफ द मतलब जो भी बहुत ही महंगे ऑडियो इंटरफेसेस है उनके जैसा उसका प्रियम्स हो गया और कन्वर्जन जो हो गया ऑडियो मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग जो कन्वर्जन है वो बहुत ही बेहतरीन साउंड करता है जो लोग बिगिन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि ए डी डी एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन जो होता है वो वाकई में कितना इंपॉर्टेंट होता है पर वो वाकई में टॉप नॉच है आई सीरीज़ वाले इंटरफेसेस का ये जो ईवो वाला जो मॉडल है जिसमें इसमें कोई भी जैसे प्री वगैरह है वो डेडिकेटेड नहीं है डिजिटल है ऑब्वियसली एक सिंगल सर्किट के ऊपर सारा कन्वर्जन एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन जबकि जो आईडी सीरीज़ है उसमें सब कुछ अलग अलग टाइप के मॉडल्स लगे हुए हैं पर्सनली एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली इस कंपनी ये कंपनी इतना बेहतरीन ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती है मेरा रिझान उसकी तरफ है बट फॉर सम वन जिसको बहुत ज़्यादा हैसल नहीं चाहिए एंड आपका जो काम है वो बहुत ही सिंपल है मतलब आप बहुत क्रिटिकल चीज़ें करने को दौड़ नहीं रहे हो तो दिस इज़ अ फंटास्टिक चॉइस लाइक हैसल फ्री आपको कहीं आफ्टर मार्केट जा करके दस चीज़ें नहीं ढूंढनी है मे बी आप uh, uh, क्या कहते हैं अभी म्यूज़िक बनाना शुरू करना चाहते हो तो वट यू नीट आपके पास में एक पूरा बंडल आ गया जिसे आप वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हो ए डी डी ए कन्वर्जन आपका बढ़िया हो गया है बिकॉज यू और लेटेंसी वाला जो प्रॉब्लम आता है म्यूजिक प्रोड्यूस करते वक्त वो आपका रिजॉल्व हो गया बिकॉज नाउ यू हैव अ ऑडियो इंटरफेस आप हेडफोन्स आ गए आपके पास में टू लिसन टू वॉट यू आर मेकिंग या जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसके लिए भी um, इसके बाद आपको सिर्फ एक मीडिया कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है ना अ कंप्यूटर या तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप ये कहाँ लगाओगे सो मेक सेंस आई गैस तो इतने से ही चीज़ में आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है ओवरऑल आयल से कि ये बहुत मज़ेदार है स्पीकिंग ऑफ जो अलग बंडल्स हैं जो स्पेसिफिक ऐसी ही चीज़ें देते हैं माइक्रोफोन आपको ऑडियो इंटरफेस हेडफोन और ये सारी चीज़ें साथ में वायर वायर सब कुछ साथ में दे देते हैं मतलब माइक का केबल वगैरह उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जो ईवो का जो इंटरफेस है वो मैक्सिमम जो बजट इंटरफेस है उनमें से थोड़ा सा सुपीरियर है लाइक गेन स्टेजिंग वाइज किसी में भी ऐसा ऑटो वाला मोड नहीं है और मैक्सिमम ऑडियो इंटरफेस में एक चीज़ नहीं है जिसे कहते हैं लूप बैक वाला फीचर विच कम्ज इन हैंडी जब आप कुछ भी स्ट्रीम करना चाहते हो आपका कंप्यूटर का ऑडियो है और आप उसको यू नो इवन आप अगर गेमिंग कर रहे हो आपका गेम का ऑडियो चल रहा है अलग से और आप वो चाहते हो कि वो ऑडियो आपका जो स्ट्रीमिंग वाला एप्लीकेशन है उसमें सीमलेसली चला जाए और इस तरीके की चीज़ें या आप कोई चीज़ सुन रहे हो और आप चाहते हो कि वही चीज़ को आप डॉ में रिकॉर्ड कर लो तो आप उसको लूप बैक के चैनल के थ्रू पास करके और वापस अपने डॉप पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो पॉसिबिलिटीज काफ़ी हो जाता है लूप बैक वाले फीचर के साथ में uh, तो ये एक डेफिनेट uh, फीचर है जिसे हम uh, नज़रअंदाज नहीं कर सकते एंड दैट इज़ एक्चुअली अ रीज़न यहाँ पे देखोगे तो आई डी फोर्टीन मार्क टू लगा हुआ है यहाँ पे मेरे डेस्क पे और मैं अगर थोड़ा सा खिसक जाऊँ तो यहाँ से मेरे पास में आई डी फोर्टीन मार्क वन था एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद द क्वालिटी इट वॉज़ गिविंग मी ऑबियसली आई डी फोर्टीन मार्क टू का प्री एम्स और मेनली उसका जो कन्वर्टर्स है वो थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है पर uh, जो ऑलरेडी मेरे को मार्क वन वर्जन से रिजल्ट मिला था आई वाज रियली हैप्पी पर एक्चुअली में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लूप बैक वाले फीचर के लिए अपग्रेड किया सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड अगर आप डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हो तो इट कैन कम इन हैंडी एंड ऑब्वियसली अगर आप अलग 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 अलग, अलग परचेज करना चाहते हो तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बजट असेंबली क्या होगा आपके लिए विच यू कैन या ऑब्वियसली वॉच अगर आपने पिछला आई डी फोर वाला रिव्यू है वो नहीं देखा तो वो देख लो ऑल्सो आई विल भी कमिंग अप विद अ वीडियो जिसमें हम ईवो फोर आई डी फोर आई डी फोर्टीन आई डी फोर्टीन मार्क वन सबके बीच में भी एक कंपैरिजन करके देख सकते हैं डू यू थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग समथिंग यू विल बी इंटरेस्टिंग इट ऑल्सो लेट मी नो आप और कौन सा ऐसा वीडियो है जो आप देखना चाहोगे आई थिंक इट मेक्स पॉइंट्स क्लियर अगर कोई भी ऐसा बात है ना जो, जो आपके मन में रह जाता है तो एज ऑलवेज फील फ्री टू सीध एम इन द कामेंट्स और आपको तो पता ही है मैं सबसे तेज़ी से जितने भी लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा तेज़ी से मैं आंसर करता हूँ आपके सवालों का इन द कामेंट्स वहाँ तो हमारी मुलाकात होती है तो जाते जाते मेरे को ये भी बात याद आया कि मैं एक वेब पेज का लिंक यहाँ नीचे छोड़ दूंगा जहाँ पर आप अगर जाओगे तो आप पाओगे कि जो एक छोटा सा गाने का एग्जाम्पल हमने इससे बनाया एंड जो भी बाकी जो हमने वीडियोज़ बनाए हैं एफ पे और बाकी सारी चीज़ें जिसमें आप वॉइस ओवर्स और बाकी जो भी चीज़ें बन रही है यू नो आप उसको वहां पे जाकर के एक्सेस कर सकते हो तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि इफ दिस इज समथिंग यू कैन बाय और नॉट एंड डेफिनेटली अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो दिस इज अ फंटेस्टिक चॉइस इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल ऑफ माई एफर्ट फॉर यू गाइस तो प्लीज वो लाइक वाला बटन जो है उसे दबाना ना भूले थैंक्स फॉर बिंग पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अटर म्यूजिशन एवरी डे आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार